बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। आज हम शुरू करेंगे आर्टिकल केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्ड की हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, क्योंकि ये हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड वो जोड़ है जिसके ज़रिए एटम्स आपस में जुड़कर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो अब हम प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अ केमिकल बॉन्ड इज़ डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड देम टुगेदर इन अ स्टेबल अरेंजमेंट कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एटम्स के दरमियान जो उन्हें इकट्ठा जोड़ती है ताकि वो स्टेबल हालत में अरेंज रहें। और इस स्टेबल अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड, विच इज़ ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस। स्टेबल अरेंजमेंट मींस नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन बाय फॉलोइंग ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल। स्टेबल अरेंजमेंट का क्या मतलब होता है? यानी अपने आप को मुअस्सर बनाने के लिए, क्याम पज़ीर बनाने के लिए, अपनी बका के लिए एटम्स जो हैं वो क्या करते हैं? स्टेबल बनाने के लिए अरेंज करते हैं। और अरेंजमेंट का रूल क्या है? नोबल गैस। नोबल गैस बनने में क्या बेसिक प्रॉपर्टी है? कि नोबल गैसेस के वैलेंस शेल ऑक्टेट रूल या डुप्लेट रूल के साथ मुकम्मल हैं और तमाम एटम्स स्टेबिलिटी के लिए ऑक्टेट या डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में हाउ एटम्स फॉलो ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल क्या है? द अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन इन द आउटर मोस्ट शेल। कैसे? बाय लूजिंग और बाय गेनिंग और बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द ऑक्टेट रूल। यानी 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में रखने के लिए एटम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या शेयरिंग के प्रोसेस से गुजर कर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करते हैं स्टेबल। जैसा कि अभी हमने देखा ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल मीन कीपिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस और आउटर मोस्ट शेल। तो इसी तरीके से एटम फॉलो डुप्लेट रूल टू अटेन स्टेबिलिटी बाय कीपिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमने कहा, बॉन्ड फॉर्मेशन या केमिकल बॉन्ड क्या है? द अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंडिंग द एटम्स टुगेदर। तो अब ये बाइंडिंग फोर्स जो है वो बॉन्ड बनाने के लिए किस किस तरह के केमिकल बॉन्ड बनाती है और एटम किन किन स्टेट्स में जाकर कैसे लूजिंग, गेनिंग, शेयरिंग के कॉन्सेप्ट से गुजरते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन आयंस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन देम। यानी बॉन्ड फॉर्मेशन का एक तरीका कार है कि आयंस बने। तो आप जानते हैं आयंस कितनी किस्म के होते हैं? आयंस 2 टाइप्स के होते हैं, विच आर पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस किस वजह से इकट्ठे रहते हैं? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान या पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस के दरमियान पाई जाती है। और आयंस की बुनियाद पर बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाता है? आयनिक बॉन्ड। हमने पढ़ा है ना कि एटम वैलेंस शेल में किस तरीके से स्टेबल कॉन्फिग्रेशन हासिल करते हैं? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। एक तरीका कार तो ये है, जब इलेक्ट्रॉन एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस बनाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं तो नेगेटिवली चार्ज आयंस बनाते हैं। बॉन्ड बनाने का एक और तरीका कार भी मौजूद है, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द सिमिलर एटम और बिटवीन द एटम्स हैविंग कंपेयरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज बाय फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग और वन साइडेड शेयरिंग। और दूसरा तरीका कार क्या है? कि बॉन्ड सिमिलर एक जैसे एटम्स के दरमियान बनता है या डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनता है जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ के डिफरेंस होते हैं। और इसमें कॉन्सेप्ट क्या फॉलो किया जाता है? म्यूचुअल शेयरिंग, बहमी इश्तराक का। यानी हर बॉन्डेड एटम इलेक्ट्रॉन देता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? बॉन्ड बनाने के लिए एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है, डोनेट करता है, और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। वो शेयरिंग
जो म्यूचुअल होती है, यानी हर बॉन्डेड एटम इलेक्ट्रॉन देता है, उसके नतीजे में कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो नतीजा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। बॉन्ड बनाने के लिए दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, यानी व्हेन टू अप्रोचिंग एटम कम क्लोजर द अट्रैक्टिव एज वेल एज द रिपल्सिव फोर्सेस बिकम ऑपरेटिव। जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब पहुंचते हैं तो दो तरह की फोर्सेस डेवलप होती हैं, एक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और दूसरी फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। और केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो नतीजा है मैक्सिमम अट्रैक्शन और मिनिमम रिपल्शन का। द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड इज अ रिजल्ट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस विच डोमिनेट। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि व्हेन टू एटम अप्रोचेस ईच अदर द अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट ओवर द रिपल्सिव फोर्सेस, देन व्हाट हैपेंड, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम लोड एंड मॉलिक्यूल इज फॉर्म। तो सिस्टम अपनी एनर्जी को कम करता है और इसके नतीजे में मॉलिक्यूल बनता है, यानी जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं और सिस्टम अपनी एनर्जी को लो करता है, लोअरिंग ऑफ एनर्जी के रिजल्ट में मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन होती है। अदरवाइज वरना इफ़ रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट, अगर जो है रिपल्सिव फोर्सेस कौन सी होती हैं जो एटम्स को पुश अवे करती हैं, तो उसके नतीजे में क्या निकलता है, नो केमिकल बॉन्ड फॉर्म। इन दिस केस सिस्टम विल इंक्रीज एनर्जी ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सेस, के जब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं सिस्टम अपनी एनर्जी को बढ़ा लेता है। और हम रूल है ये साइंटिफिक, लोअरिंग ऑफ एनर्जी हायर इज द स्टेबिलिटी, इफ एनर्जी इज हायर वन स्टेबिलिटी इज लोअर वन। इस पर्पस के लिए हमने दो हाइड्रोजन के एटम सेलेक्ट किए हैं, ये हाइड्रोजन का एक एटम है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन 1s1 है, इट इज एनदर एटम ऑफ हाइड्रोजन, इसकी कॉन्फिग्रेशन भी 1/1 है। जैसा कि आप जानते हैं हाइड्रोजन के एटम के पास एक प्रोटॉन न्यूक्लियस में मौजूद होता है और एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। हाइड्रोजन एक छोटा एटम है, हाइड्रोजन को मॉलिक्यूल बनने के लिए क्या चाहिए, एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इट मीन्स व्हेन टू हाइड्रोजन एटम कम्स एट अ रीजनेबल डिस्टेंस अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट ओवर द रिपल्सिव फोर्सेस। अब यहाँ पे हम अट्रैक्टिव फोर्सेस को काउंट करते हैं, ये पहला हाइड्रोजन का एटम है जिसे हमने ए नाम दिया है, इसमें इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय द प्रोटॉन, एक अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम है और इसकी लेबलिंग हमने बी कर दी है। अब आप इसमें देख सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन को, जैसा कि सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉनिक सिस्टम है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींचता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स ये हो गई, दूसरी अट्रैक्टिव फोर्स ये हो गई। और जब बॉन्ड बनेगा तो ए का न्यूक्लियस बी के इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब अट्रैक्ट करेगा और इसके नतीजे में क्या डेवलप होगी, थर्ड अट्रैक्टिव फोर्स। और बी का न्यूक्लियस ए के इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब अट्रैक्ट करेगा, एज अ रिजल्ट फोर अट्रैक्टिव फोर्सेस, ए के प्रोटॉन रिपेल्ड बाय द प्रोटॉन ऑफ द बी, और बी ए के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे बी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। इट मींस टू रिपल्सिव फोर्सेस एंड फोर अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस कितनी है, फोर। अट्रैक्टिव फोर्सेस कितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस है, फोर अट्रैक्टिव फोर्सेस। और हमारे पास रिपल्सिव फोर्सेस कितनी है, टू रिपल्सिव फोर्सेस। और रिपल्शन किसके दरमियान होती है, सिमिलर चार्जेस की, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान अट्रैक्शन, प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान रिपल्शन, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे क्योंकि दोनों का सिमिलर चार्ज है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और दोनों के दरमियान क्या होगी, रिपल्शन। तो इसमें आप देख सकते हैं फोर अट्रैक्टिव और टू रिपल्सिव फोर्सेस हैं जिसके नतीजे में जो है मॉलिक्यूल वो अपनी एनर्जी को लो करते हैं और इस तरह वो इकट्ठे रह सकते हैं।